गाइस ये सामने वाला आप गेट देख रहे हैं व्हाइट कलर का, ये है सनी देओल सर का स्टूडियो का मेन गेट। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गेट खुला हुआ है और अंदर कार भी दिख रही है, वही है सनी देओल सर का कार। और आप लोगों को बता दें ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्टूडियो है और जो कि ना एक मुंबई के बहुत से इलाकों में स्थित है। काफ़ी बड़ा ये स्टूडियो है, आप लोग देख सकते हैं वो मेन गेट था, ये आउट गेट है। और इस दूसरे वाले गेट के पास आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। और ये ना जहाँ पे है ना सभी बड़े बड़े अभिनेता लोग यहीं पे रहते हैं, मतलब सभी एक्टर हीरो लोग यहीं पे रहते हैं अगल बगल में। अभी हम आप लोगों को सबका घर का भी दिखाएंगे, कहाँ कहाँ पे किसका किसका घर है। आप लोग देख सकते हैं ये है सनी देओल सर का स्टूडियो, जहाँ पे सभी लोग बड़े बड़े अभिनेता लोग आते हैं यहाँ पे अपनी मूवी की काम करवाने के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे गदर 2 मूवी आई है जो कि काफ़ी कमाल धमाल मचा रही है और सभी सिनेमा हॉल में हाउसफुल दिखा रहा है। जी हाँ गाइस, आप लोगों को बता दें काफ़ी ब्लॉकबस्टर साबित की जा रही है इस मूवी को। अब ये मूवी ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, काफ़ी अच्छी कमाई भी कर रही है, 200 करोड़ पार कर चुका है अभी तक मूवी ये। और आप लोग देख सकते हैं 15 अगस्त के टाइम में ये मूवी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। और आप लोगों को बता दें इसमें काफ़ी सारे डायलॉग जो हैं काफ़ी इनके हिट हो रहे हैं, जो कि ये पाकिस्तान के दामाद हैं ये वाला वर्ड जो है मीम से काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। आप लोगों को गदर 2 मूवी कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देख सकते हैं यही है सनी देओल सर का स्टूडियो जो कि मुंबई के जुहू में स्थित है। और आप लोगों को बता दें यहीं पे शिल्पा शेट्टी मैम का भी घर आगे ही जस्ट 10 कदम पे है और श्रद्धा कपूर मैम का भी घर यहीं पे है। और आप लोगों को अभी उनका भी घर दिखाएंगे, सनी देओल सर का घर का भी मैं ब्लॉग बना चुका हूँ, जाके हमारे चैनल पे देखिए, वहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से मैं टूर कराया हूँ। गाइस आप लोग देख सकते हैं यही है सनी देओल सर का स्टूडियो जो कि मुंबई के जुहू में स्थित है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर। यहीं पे सनी देओल सर के डेट ऑफ बर्थडे की बात करें तो इनका बर्थडे 19 अक्टूबर को है। जी हाँ गाइस, 19 अक्टूबर 1957 में इनका जन्म हुआ है, जो कि आज के डेट में ये 65 साल के कंप्लीट हो चुके हैं। जो कि 65 साल के उम्र में जो इनकी एनर्जी रही है इस मूवी में, लगता नहीं है जैसे लग रहा है मतलब 25-30 साल का लौंडा। आप लोगों को बता दें 22 साल बाद ये मूवी वापस देखने को मिला है और काफ़ी टाइम से लोगों का इंतज़ार था गदर 2 मूवी देखने के लिए। गाइस यहीं पे आइए सनी देओल सर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो गाइस आप लोगों को बता दें सनी देओल सर का एक महीने की कमाई की बात करें तो एक महीने में 1 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करते हैं। यहीं पे सालाना की बात करें तो एक साल में ये 12 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करते हैं। अगर इनके टोटल नेटवर्किंग की बात करें तो आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कितना होगा। गाइस आप लोगों को बता दें सनी देओल एक मूवी का फीस 120 से 130 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं और ये जो भी मूवी में काम करते हो मूवी सुपर डुपर हिट जाती है, मतलब ब्लॉकबस्टर साबित की जाती है। आप लोग जैसे गदर 2 गदर आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और आप लोगों को बता दें इनके पास अगर कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास काफ़ी महंगी महंगी कार कलेक्शन है, जैसे ओडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू रेंज रोवर की इनके पास कई सारी सीरीज आपको देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारी लग्जरी कार इनके पास देखने को मिल जाएंगी। और आप लोगों को बता दें पॉलिटिक्स में भी हैं, जो कि पंजाब के ये सांसद भी हैं। गाइस आप लोगों को बता दें सनी देओल सर के कौन कौन फ़ैन है कमेंट बॉक्स में बिग फैन, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गदर 2 मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गदर 2 मूवी के बारे में आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी कॉमेंट कीजिएगा, उस रिलेटेड हो सके आप लोगों को वीडियो बनाए। लेकिन ये उनका स्टूडियो था, इनका घर का टूर कराया, मतलब जो भी सनी देओल सर का है मुंबई के अंदर वो सारा टूर करा के आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ढेर सारा प्यार जरूर दिखाएगा इस वीडियो।